Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जैसा लाएंगे वैसा बेचेंगे। टमाटर की कीमतों ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। मुख्तलिफ शहरों में 150 से 200 रुपए प्रति किलो बिकने लगे। प्याज और अदरक की कीमतें भी 3.5 की कुव्वते खरीद का इम्तिहान लेने लगी। सुर्ख सुर्ख टमाटरों और सब्जियों के बुलंद नर्ख देख कर आवाम लाल पीले होने लगे। बहुत महंगे हैं ये, जब भी आते हैं मुझसे लड़ते हैं, कहते क्यों बेचती है मुझे प्याज लेने। 120 रुपए किलो प्याज लेकर आते हैं ये। टमाटर तो मैं कहती हूँ लाया ही ना करो। खबरदार होशियार, गिलगित से टमाटर अब बाहर नहीं जा सकता। इंतजामिया ने दफा 144 के तहत टमाटर के इलाके से मुंतकली पर पाबंदी लगा दी। फैसलाबाद में गटर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 3 मजदूर जान बहा के एक तश्वीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल। लवाहिकीन पर कयामत टूट पड़ी। वासा पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। प्रेशर बनया, बदबू सी नीचे गिर गया, दूसरा गया बचाने वास्ते कढ़ने वास्ते। इसे तरह ना चारों लड़के गिरते गए ने। दीर बाला में आतिशबाजी से हस्ता बस्ता घर उजड़ गया। एक ही खानदान के 6 अफराद झुलस कर जा बहक। इलाके में कोहरा। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में लगने वाली आग ने गैर मुल्की रेस्टोरेंट के 3 फ्लोर्स को जलाकर राख कर दिया। जारी नुकसान नहीं हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। भारतीय मजालिम के हाथों मकबूजा कश्मीर में आवाम का जीना हराम। आज भी जिला बारामूला में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ना सिर्फ कश्मीर का एक पुर अमन हल तलाश करने के लिए अपना रोल अदा करे। कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारतीय जंगी जराइम की तहकीकात होनी चाहिए। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की माँ है। कुलभूषण भारतीय दहशतगर्दी की जिंदा मिसाल है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का जनरल असेंबली में भारतीय वजीर खारजा को करारा जवाब। कहा पाकिस्तान तमाम मसाइल मुजाकिरात से हल करना चाहता है, लेकिन भारत को मुजाकिरात के लिए दहशतगर्दी की पॉलिसी तर्क करना होगी। ऐसी जमात जो है उसके हाथ जो है वो मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। उसके अलावा मैंने कश्मीर के हवाले से भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मौकफ बयान किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही के बावजूद सुषमा स्वराज का अकवामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर ही इल्जाम। जनरल असेंबली से खिताब पे पाकिस्तान पर दहशतगर्द रियासत होने का इल्जाम लगा दिया। ये भी कहा कि हम गुरबत से और पाकिस्तान हम से लड़ रहा है। पाक फौज के शहीद लेफ्टिनेंट अरसलान आलम का सफर आखरत कुछ देर बाद कोटली सतिया के गांव गेल में सुपर्दे खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट अरसलान अफगान सरजमीन से किए गए दहशतगर्दों के हमले में शहीद हो गए थे।